अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सिक्योरिटी जोन। दोस्तों आपके लिए आज बहुत ही कमाल किस्म का एक कैमरा लेके हाजिर हुए हैं, जो बिल्कुल छोटा सा कैमरा है लेकिन फंक्शनैलिटी के अंदर वो बाकी नॉर्मल कैमराज की निस्बत बहुत अच्छी उसमें फीचर्स हैं। आपको उसमें बिल्ट इन माइक मिल जाता है और उसमें बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। दोस्तों उसके लिए आपको DVR या किसी भी किस्म की तार की ज़रूरत भी नहीं है और उसको आप वायरलेसली अपने मोबाइल पे कनेक्ट करके देख सकते हैं। दोस्तों इसका आपने पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव इस्तेमाल क्या है कि आपके घर में नौकर चाकर हैं या फिर आप किसी भी ऑफिस के अंदर इसको लगा सकते हैं सर्विलेंस के लिए, और इसको किसी भी पॉजिटिव मकसद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको हम दिखा देते हैं कि बहुत अच्छी पैकिंग के अंदर ये कैमरा आ रहा है, और ये टोटल इसका साइज़ है कैमरा का, बिल्कुल छोटा सा कैमरा है। और इसके साथ एक बॉक्स में आपको इसका वायरलेस जो चार्जर है इसका आपको मिल जाता है। वायर के साथ आप इसको चार्जिंग पे लगा के रिमोटली कहीं पे चिपका सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन मैग्नेट भी आता है, आप इसको चिपका के यूज कर सकते हैं। किसी भी लोहे की चीज़ के साथ, मेटल के साथ आप इसको हैंग कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन का तरीकेकार अभी बताते हैं कि किस तरह से आपने इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। चलिए दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन का इसका तरीकेकार देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन पैकिंग मिल जाती है। इसमें आपको एक अदद ये स्मॉल जो कैमरा है वो मिल जाएगा। उसके बाद ये दूसरे बॉक्स के अंदर आपको इसकी एसेसरीज देखते हैं। एसेसरीज में इसकी आपको एक डेटा केबल मिल जाती है, जिसको पावर केबल भी कह सकते हैं। ये इसको चार्ज करने के लिए यूज़ हो सकती है। और उसके बाद आपको दोस्तों दूसरी एक एडजस्टेबल केबल, जिसको आप स्टैंड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये केबल आपको मिल जाती है इसके साथ। और उसके बाद आपको इसका मैग्नेटिक स्टैंड मिल जाता है, जिसकी एक साइड को आपने स्टिकर को इस तरह से उखाड़ के आपने किसी चीज़ के साथ पक्का जोड़ देना है, और इसकी दूसरी साइड जो है वो मैग्नेटिक है। ये जिस तरह से ये देखें, ये इसके साथ चिपक गया है, तो ये इसको किसी भी चीज़ के साथ हम चिपका सकते हैं। इस साइड पे आप कैमरा भी लगा सकते हैं, और कैमरा को किसी भी मेटल के साथ आप डायरेक्टली भी चिपका सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मैग्नेट है और इसके अंदर भी मैग्नेट है। तो इसको दोस्तों ऑन करने का जो तरीकाकार है, ये स्टिकर इसका उतार देते हैं हम। इसको यहाँ से आपने ऑन ऑफ करना है, यहाँ से आप इसको प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ऑन हो के ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। इसको आपने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे इसके मोड के बटन पे क्लिक करना है। ये ऑन करने के बाद दोस्तों ये देख लें, यहाँ पे ये रेड जो साइन है ब्लिंक कर रहा है। आपने यहाँ से मोड को प्रेस करके रखना है, और जैसे ही प्रेस करेंगे आप, तो ये जो लाइट है ये ब्लू और रेड ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई है। तो फिर आपने मोबाइल स्क्रीन पे जाना है। इसके लिए आपने V380 Pro ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। ऐप स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी और आपको प्ले स्टोर पे भी V380 ऐप मिल जाएगी। दोस्तों इसको ऑन करने के बाद आपने मोबाइल स्क्रीन पे जाना है। चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और इसको ऑन करके कॉन्फ़िगर करने का तरीकाकार देखते हैं। जी दोस्तों मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले V380 Pro जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है अपने पास, और यहाँ पे आप अगर अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो रजिस्टर अकाउंट पे आपने क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करना है। हमने अकाउंट नहीं बनाना, विदाउट अकाउंट हमने चलाना है। ट्राई विदाउट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे करने के बाद आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका मोबाइल जो है वो MV के वाईफाई से कनेक्ट है। ये MV नाम से आपको वाईफाई शो हो रहा होगा जब आप इस कैमरा को पावर ऑन कर लेंगे। इस तरह से कैमरा पावर ऑन होना चाहिए आपका। और इसके बाद आपने एप्लीकेशन में जाना है और एप्लीकेशन को आपने रिफ्रेश करना है। इसको इस तरह से हम स्वैप करेंगे तो एप्लीकेशन रिफ्रेश होगी, साथ ही आपको ये ऐड डिवाइस का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। दोस्तों ये ऐड डिवाइस के ऑप्शन के बाद ये कैमरा हमारा कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे लाइव व्यू के लिए। तो जैसे ही ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे हमसे ये पासवर्ड पूछेगा कि आपने अपने कैमरा को क्या पासवर्ड लगाना है। तो अभी देखते हैं कि ये जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो इसको पासवर्ड लगाने के लिए हम
नेक्स्ट मूव करेंगे, ये सेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, सेट पासवर्ड पे क्लिक करके आपने न्यू पासवर्ड एंटर करना है। या आपने दोस्तों पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाना है, जिस तरह से मैं कैपिटल ए के साथ DMIN स्मॉल एडमिन, ये जिस तरह से नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो कह रहे हैं कि आपने जो पासवर्ड लगाना है उसमें अपर केस भी होने चाहिए, लोअर केस भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए, जैसे कि @#*, तो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। कुछ लोग यहाँ पे आके गलती करते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लगाते तो उनका वो इस तरह से एरर शो करवा रहा होता है। तो मैं admin@*symbol में डाल देता हूँ और 123 मैं नंबर्स में डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे वो पासवर्ड उसने ओके कर दिया। इसी तरह इसी पासवर्ड को ऊपर जो भी आप लगाएंगे उसको आपने नीचे रिपीट करना है उसी पासवर्ड को। हम admin@123 लगाएंगे दोबारा और हमने अपनी मेन स्क्रीन पे चले जाना है, कंफर्म पासवर्ड करेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे ये हमारे पास इसका लाइव व्यू आना स्टार्ट हो गया है। ये दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि कैमरा का जो है लाइव व्यू हमारे पास आना स्टार्ट हो गया है। अभी मेरे फेस के ज़्यादा पास है कैमरा, इस वजह से जो है ये ज़्यादा व्यू नहीं दे रहा है। इस तरह से आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी जगह पे चिपका सकते हैं कैमरा को। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपको कैमरा का व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये कैमरा जब भी आप इस वाईफाई से कनेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप इस कैमरा का जो है व्यू देख सकते हैं, लेकिन आपने अगर इस कैमरा को रिमोटली कहीं से एक्सेस करना है, रिमोटली का मतलब है कि आप ये ऑफिस में कैमरा आपके लगा हुआ है और आपने कहीं पे बाहर से इसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें पहले उस नेटवर्क के साथ इसको कैमरा को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने नेटवर्क में जाना है। ये बेसिकली आप देख लेंगे कि AP हॉटस्पॉट मोड पे ये कैमरा अभी चल रहा है हमारे, ठीक है। इसका मोड जो है आपने वो वाईफाई स्टेशन मोड कर देना है। AP हॉटस्पॉट मोड इसलिए हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारे घर में वाईफाई या जहाँ पे कैमरा लगा वहाँ पे वाईफाई नहीं है तो हम इसके कैमरा के अपने वाईफाई को इस्तेमाल करते हुए इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे वाईफाई स्टेशन मोड पे जाएंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट शो हो जाएगी। ये हम इस वाईफाई के साथ इसको अटैच कर देते हैं। इस वाईफाई का पासवर्ड पूछ रहा है, मैं जो इसका पासवर्ड है वो लगाता हूँ। जी दोस्तों हमने इसका पासवर्ड लगा लिया है, इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही अब हमारा कैमरा जो है अगर इस वाईफाई के अलावा कहीं और या मोबाइल डाटा पे भी कनेक्टेड है तो हम उसको रिमोटली व्यू कर सकते हैं। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ से हम जाएंगे, कैमरा का वाईफाई ख़त्म हो चुका है, अभी हमने अपने ऑफिस के वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि वाईफाई स्टेशन मोड पे करने के बाद हमारे कैमरा का व्यू हमारे पास आ गया है और ये कैमरा जो है लाइव हमें यहाँ से देख सकते हैं। और सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगर करने के लिए कैमरा के वाईफाई से कनेक्ट करना होता है, उसके बाद आपने इसको वाईफाई स्टेशन मोड पे नेटवर्क के ऑप्शन में जाके हमने वाईफाई स्टेशन मोड ऑन किया है और यहाँ से हम इसका व्यू अब कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, चाहे मोबाइल डाटा पे या किसी और वाईफाई के साथ पूरी दुनिया में इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ये आप इसका लाइव व्यू देख सकते हैं और यहाँ से इसका हम माइक भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन करने के बाद हम इसका जो माइक है उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। हेलो, ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने माइक को टेस्ट कर लिया और यहाँ से हम इसके स्पीकर को ऑफ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए या इसकी प्राइसेस वगैरह पता करने के लिए कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में रابطہ कर सकते हैं। शुक्रिया।